जवान पर नहीं लगा कुछ। तो गेहूं मेरे पास नहीं थे तो इस वजह से मैंने करोवे में ड्राई फ्रूट डाल दिए। गरम तेल मेरे हाथ जले हुए हैं, मुंह भी थोड़ा बहुत जल गया। यहाँ पे दिया यार रख लिया है मैंने, अब जली है। सकते हो यार मेरा फेस बहुत ज्यादा खराब हो गया है। जोड़ा दिया जाता है अगर आते हैं मुझे ऐसे घूर रही है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रा भंडारी में। कल है करवा चौथ तो मैं लगा रही हूँ अभी मेहंदी, तो दिखाती हूँ मैं कैसा डिजाइन बना रही हूँ अपने हाथ में और खुद से मैं मेहंदी लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ लगाने के लिए, वहाँ पर भीड़ रहती है फटाफट बनाते, तो इससे अच्छा मैं खुद ही लगा लूँ। और नीसा बोलिए मैं नींद से बेचैन हूँ बहुत ज़्यादा, और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि शायद बच्चा संभाल चुकी रात को मेरा। तो देख सकते हो आप कैसे खोई हुई है निशा, और मानविक बेचारा भी खोया हुआ है झूम रहा है। क्या हो गया बेटू? तो स्टार्ट करते हैं लगाना, और मैं लगा रही हूँ मेहंदी, तो देखते हैं मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ। मुझे ऐसे घूर रही है जैसे तो मैंने इसका कुछ बिगाड़ दिया है, पता नहीं वो अब ऐसा भी कर रही है। दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों यार। तो फाइनली मैंने मेहंदी लगा ली है, तो कमेंट पे बताना मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। चलो मैं आपको वैसे दिखाती हूँ एक बार मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। जैसे विकास घर पाए तो लेके आए थे सोने के रिंग, पायल और बिच्छू लाए थे चांदी के। पिछली बार उन्होंने मुझे मंगलसूत्र दिया था गोल्ड का, तो दोस्तों इस बार मैंने सोचा मैं कुछ भी नई शॉपिंग करूँ पर ये लेके आ। तो मैं दिखाती हूँ मेहंदी कुछ ऐसी कलर दी है, अभी सुबह को अच्छे कलर देगा अच्छे से। तो अभी जा रही मैं कहाँ पार्लर में जा रही, कुछ काम है थोड़ा बहुत, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये तो हमेशा ऐसे करते, और ये देखो ये थप्पड़ मार रहे हैं, पैदा करके थप्पड़ ही मारेंगे ये देखो। तो मैं बच्चे की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते आजकल, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो फटाफट थ्रेडिंग करने गई। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मेहंदी लग रही है, हम भी पूछ के आते हैं। दोस्तों एक हाथ में मैंने लगा लिया था, एक हाथ में लगाएंगे विकास, क्योंकि मैं इनका वेट कर रही थी और मुझे पता है क्योंकि मैं इनके लिए फास्ट रखती थी, अगर मेरे हाथ में थोड़ा सा भी अगर लगाएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने एक हाथ पूरा खाली छोड़ा था ताकि उसमें सिर्फ विकास लगाएंगे। जैसे मैंने तीज को मार्केट में लगा लिया था, बट मैंने करवा चौथ को भी मैं लगा सकती थी, बट नहीं मुझे मतलब मैं चाहती थी कि विकास ही मेरे हाथ में लगाए, पिछले बार भी लगाया था। तो इस बार भी मैंने एक हाथ खाली छोड़ा, ना निशा को लगाने दिया, किसी को नहीं लगाने दिया। वो इसलिए क्योंकि मुझे विकास के हाथ से ही अपने हाथ में मेहंदी लगवानी थी, तब विकास लगाएंगे मेरे हाथ पे। तो देखिए कैसे लगाते हैं विकास, मतलब अपनी कोशिश कर रहे हैं वो, देखते हैं। तो गेहूं मेरे पास नहीं थे तो इस वजह से मैंने करोवे में ड्राई फ्रूट डाल दिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो इसमें। मैंने छुआरे और काजू किशमिश बादाम, मतलब जो जो चीज़ें हो सकती थी वो सब मैंने करवे में डाल दिया है। देख सकते हो आप लोग करवा मैंने इस तरीके से भर दिया। इसके ऊपर जो मैं ढक्कन लगाऊंगी उसमें मैं चार बतासे रखूंगी, बतासे रखने के बाद इसके ऊपर से मैं दक्षिणा रखूंगी जो ये मेरी सास को जाएगा। और अभी मैंने मंदिर की स्थापना नहीं की है तो मैं कर रही हूँ अभी, अब धीरे धीरे मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे दिया यार रख लिया है मैंने, और ये तो देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अलग से मंदिर बनाया करवा माता का। और यहाँ पे मैंने अपनी सास के लिए साड़ी, क्योंकि मेरी सास को जो कलर पसंद है मैं वही लेके आई थी। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जोड़ा दिया जाता है, अगर किसी सुहागन औरत को तुम अगर कपड़े दे रहे हो तो जोड़े पे ही जाएंगे, उसके हस्बैंड के कपड़े भी उनके साथ में जाएंगे। तो इसलिए मम्मी जी के लिए साड़ी और पापा जी के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा लेके आई हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से पूजा मेरी हो चुकी है यहाँ पे। तो मैं हो गई हूँ तैयार, कुछ इस तरीके से साड़ी पहनी हुई है, और आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, ऑफ भी है और खुशी भी है। आज देख सकते हो मेरा पूरा गाल, मतलब इस पे तेल पड़ गया, वो भी गर्म तेल, मेरे हाथ जले हुए हैं, मुंह भी थोड़ा बहुत जल गया। कोई बात नहीं, पर विकास मुझे दिलासा दे रहे हैं कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा।
तो दोस्तों बोलना चाहो कि चंदा के उस पर दाग लग गया, तुम्हें कोई वो तो नहीं है परेशानी? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब चार पे दाग हो सकता है, फिर तू क्या चीज है, फिर पे भी दाग हो सकते हैं। हाँ, तो पर जवान पर नहीं लगा कुछ। तो दोस्तों देख सकते हो ये मेरा जो फेस है थोड़ा खराब हो गया, बट कोई ना जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं इस पे ऑयल लगाते रहूंगी, बट ये बहुत ज्यादा ही मेरा जल चुका है और हाथ भी मेरे जले हुए हैं। तो पता नहीं कैसे, मतलब ना वो जो तेल में लेके आई थी वो तिल का तेल था, तो एक तिल का तेल मैं पहले लेके आई थी तो थोड़ा सा ही बच रहा था, तो मैं दोबारा लेने गई और उस तेल को जैसे मैंने मतलब उसमें रुई डुबो के और बत्ती करी तो इतना मतलब तेज मतलब आग आने लगी ऊपर को, और मैंने सोचा कि मंदिर में कहीं आग मतलब लग ना जाए, इस वजह से मैं ऐसे दिया हटाने लगी तो पूरा मतलब मेरे मुँह पे और हाथों पे आ गया। पता नहीं कैसा तेल था वो, क्या तेल था मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने दूसरे वाले तिल के तेल से अगर दिया जलाया तो वो अच्छी जली, पता नहीं क्या नुकसान था। मैं जाऊंगी शॉप में एक बार बोल के आऊंगी भैया को, भैया कि देखो मेरा ऐसा हो गया, ये क्या तेल दिया तुमने, मतलब बोलना तो पड़ेगा ना कि क्या तेल है ऐसा ये। हाँ यार, अब देखो खाली फेस खराब हो गया। जो विकास मेरे रिंग लेके आए थे वो विकास ने अपने हाथों से मुझे पहनाया, और विकास बिच्छू और पायल लेके आए थे वो भी मुझे उन्होंने पहनाया। उसके बाद मैं उनके लिए रोज लाई थी, फिर उसके बाद हम चले गए थे चांद देखने। मेरे इसमें तो वो पहना नहीं था, मैं इसमें ग्लैड को मैं पानी दे के आ गई हूँ, अर्घ जो भी बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने प्रसादी जो जो चीज़ें थी दिया बत्ती वो करके हम आ गए नीचे को। अभी बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, विकास का भी फास्टर था तो उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और देख सकते हो यार मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्या बोलूँ, मतलब मन ही नहीं कर रहा कुछ भी बोलने का, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। वैसे कोई मतलब नहीं है फेस से कि कुछ भी हो, बट अब थोड़ा बहुत होता है ना कि इतने भर पर पूरा मेरा मतलब यहाँ पे भी जला, यहाँ पे भी जला थोड़ा बहुत, हाथ भी मेरे काफ़ी ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा हो सकता था पर ऊपर वाले ने बचा लिया, छोटा सा बच्चा है मेरा, और शायद विकास को दूसरी बीवी मिल जाती।